The link between pattern styles and DSSA, pattern style और DSSA के दरमियान क्या possible link है, तो हम इसको देख सकते हैं. Along the x-axis, scope जो है वो bird है, और along the y-axis, application domain knowledge वो bird है. और अगर हम इसको जरा इसको पढ़ने की कोशिश करें, so what it is here, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो program design pattern है जी, यहाँ पे वो जो है along x axis वो काफ़ी नीचे की तरफ है, और along y axis इसको हमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम डोमेन नॉलेज चाहिए. अगर हम इस लाइन को यहाँ पे ज्वाइन करें तो ये y axis पे यहाँ आके मिलेगा, और अगर हम इसको यहाँ पे एक्सटेंड करें तो ये x axis पे यहाँ पे आएगा. इट मीन्स कि डिज़ाइन पैटर्न को अगर हमने अप्लाई करना है या उसे यूज़ करना है तो हमें मिनिमम एप्लीकेशन डोमेन नॉलेज चाहिए, और हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी मिनिमम सिर्फ हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना ज़रूरी है. ऑन द अदर हैंड अगर हम ऊपर की तरफ जाएं आर्किटेक्चर स्टाइल की बात करें तो यहाँ पे ये वाई एक्सिस पे यहाँ जाके मिलेगा. इसका मतलब ये है कि आर्किटेक्चर स्टाइल को अगर हमने यूज़ करना है या इम्प्लीमेंट करना है तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें रिलेटिवली ज़्यादा एप्लीकेशन डोमेन नॉलेज चाहिए, और अगर हम इसे अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक्सटेंड करें तो ये कुछ यहाँ पे इस तरह से हमें जो है वो एक्सटेंड होगा. इसका मतलब ये है जी कि आर्किटेक्चर स्टाइल्स को अगर हमने इम्प्लीमेंट करना है तो हमें मैक्सिमम जो है ज़्यादा हमें एप्लीकेशन स्ट्रक्चर का पता होना ज़रूरी है. ठीक है, हमें एप्लीकेशन स्ट्रक्चर का पता होना ज़रूरी है, यानी कंपोनेंट्स एंड कनेक्टर्स का. बट एट द सेम टाइम वी नीड सम इंफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम स्ट्रक्चर एज वेल, एंड समहाउ पॉसिबली लिमिटेड नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. उसके बाद अगर हम थोड़ा और ऊपर जाएं तो वी कैन सी हियर आर्किटेक्चर पैटर्न्स. आर्किटेक्चर पैटर्न जो है वो अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो वो वाई एक्सिस को कुछ यहाँ पे मिलेगा. इसका मतलब ये है कि आर्किटेक्चर पैटर्न को अप्लाई करने के लिए वी नीड मोर डोमेन नॉलेज इन कंपैरिजन टू अप्लाइंग डिज़ाइन पैटर्न एंड आर्किटेक्चर स्टाइल. हमें ज़्यादा एप्लीकेशन डोमेन नॉलेज चाहिए. और अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें अलॉन्ग एक्स एक्सिस आर्किटेक्चर पैटर्न से, तो व्हाट वी कैन सी कि आर्किटेक्चर पैटर्न को अप्लाई करने के लिए हमें एप्लीकेशन स्ट्रक्चर का पता होना ज़रूरी है. ऐसा जैसा हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सिस्टम स्ट्रक्चर का पता होना ज़रूरी नहीं है. अब इससे भी हम अगर ऊपर की तरफ जाएं तो डोमेन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर ये वाई एक्सिस पे तकरीबन बहुत ऊपर जाके इंटरसेक्ट करता है. इसका मतलब ये है कि डोमेन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को अप्लाई करने के लिए या इससे फ़ायदा उठाने के लिए हमें मैक्सिमम एप्लीकेशन डोमेन नॉलेज चाहिए, ताकि हम किसी भी एप्लीकेशन को पर्टिकुलर डोमेन में हम उसे जो है वो फिट कर सकें. और अगर अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम एक लाइन ड्रॉ करें एक्स एक्सिस को कट करने के लिए, तो इट शेल बी कटिंग एक्स एक्सिस समवेयर हियर. इसका मतलब ये है कि जो है वो डोमेन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को अगर हमने अप्लाई करना है ये सब फ़ायदा उठाना है तो हमें सिस्टम स्ट्रक्चर का सिर्फ पता होना ज़रूरी है. सो दिस इज़ अ वेरी यूजफुल रिलेशनशिप डिस्क्रिप्शन बिटवीन ऑफ पैटर्न स्टाइल्स एंड डी एस 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 के इन तीनों के दरमियान क्या लिंक है जी. आई होप दिस इज़ क्लियर.